हम संग्रह पंचायत के उप मुखिया पति से हम आपको बात कराते हैं कि इस क्षेत्र की समस्या के बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश रोशन हुआ। और क्या समस्या है इस क्षेत्र का? समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे में कि अभी फिलहाल तो पानी का समस्या है, चापाकल के लिए मरम्मती के लिए कई बार मुखिया जी को अब सुझाव दिया गया कि पंचायत में जितने भी चापाकल खराब है उसको मरम्मती किया जाए ताकि पब्लिक को कोई समस्या ना हो पानी पीने के लिए। लेकिन मुखिया जी कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। जब इसका हम जांच पड़ताल शुरू किए तो चापाकल का एस्टीमेट 15,000 का बना। हर चापाकल पर 15,000 का निकासी हुआ है और उसका एस्टीमेट बनाया गया, पैसा निकासी कर लिया गया, लेकिन धरातल पर उस पैसा का कहीं उपयोग नहीं किया गया। जब यह हम छानबीन करने लगे तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी निकाले हैं, जितना भी चापाकल का एस्टीमेट बना हुआ है उस सब का मेरे पास प्रूफ है। मैं गलत एलिगेशन मुखिया पर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी लगा रहा हूँ वो हकीकत उनका करनी और कथनी वही कर रहा हूँ। मैं तमाम संग्रह पंचायत के नौजवान से अपील करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार जो संग्रह पंचायत में हुआ है, आप तमाम हिंदू मुसलमान जितने भी समुदाय के नौजवान साथी हैं, उस सभी का भागीदारी बनता है कि अगर हमारे पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ उस पर आप अमल होके साथ दें, और ताकि मुखिया को यह संदेश जाए कि यहाँ का पब्लिक जाग चुकी है, अब गलत काम नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं वार्ड सदस्य से बोला कि अभी दो चार सप्ताह पहले डस्टबिन लगाया गया था, जबकि यह कोरोना काल में लगाना था। कोरोना काल में सरकार 10 से 15 लाख रुपए भेजी थी यहाँ के पब्लिक और मजदूर को सहायता राशि के लिए। उसमें बहुत सा चावल दाल जितने भी राशन है पंचायत भवन में सड़ गया था, वो लास्ट में व्यापारियों को बेच दिया गया। उस पर भी आवाज़ उठाए थे कि भाई जब अगर मजदूर को राशन अगर सरकार गवर्नमेंट अगर मुहैया करवाया है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन वह पंचायत भवन में रखे रखे सड़ गया। और आजकल जो जब एक दो तीन महीना भोकाल का मीडिया प्रभारी महोदय संग्रह पंचायत में जब एंट्री किए थे तो उनके माध्यम से सारा योजना को उखाड़ फेंकने का काम किए थे उन्होंने। तब जब मुखिया जी को लगा, मुखिया पति सीताराम चौधरी को लगा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो एक सप्ताह दो सप्ताह पहले अभी डस्टबिन लगा हुआ है। वो डस्टबिन 5-6 हज़ार का होगा, जबकि उसका संग्रह पंचायत के तरके के सटे हुए बस्ती में हमारे मुखिया द्वारा चापाकल को बनाने के लिए हमारी जनता द्वारा कई बार प्रयास किया गया, पर इस प्रयास को विफल देखा गया। हम आइए आपको दिखाते हैं चापाकल का सीन। ये चापाकल है जो कि 5 महीना से बंद है और यहाँ के पब्लिक पानी पीने के लिए मोहताज हैं। मुखिया द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद यहाँ पर नहीं बनाया गया है। आइए हम जनता के साथ आपको रूबरू कराते हैं। नाम क्या हुआ? पनवा देवी। बताइए क्या समस्या है? का भाई 6 महीने से कल बगड़ल बहनी, पानी पीला बिन अखुन तो हमन सब चंदा तहसील के बनवौली, और पानी पीला बिन हमन तरके दिन जाती कहाँ जाती। वो कल बगड़ गई तो ऐसे ही एक दिन हमारा बुढ़ा बड़ो नथी है बीमरिया नहाए खातिर वहाँ जलमिधार फिर गई, वह में नहीं पानी, वह कल में नहीं, इहो कल में नहीं, तहन पीला बिना नहैला बिना हमारे बूढ़ा आदमी बीमरिया छः छः पानी में पीला बिन वह तरके दिन पानी भर भर के ना के पियाती है। अब मुखिया के कहा खुन अध्यक्ष दिया गया तहन मुखिया के हमन के बनवावत नहीं खन कर। मुखिया जी के पास आवेदन दिए थे? हाँ। मुखिया जी क्या बताए? कुछ बताइए नहीं कैलान जाए चाहे नहीं। चलिए ठीक है, आगे हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे मान में कुआ ना बाबू। क्या समस्या है आपका? ये पानी नहीं खे पीला मुँह मरते बाल सब मत बड़े, कहाँ जाए पानी लेने के लिए बूढ़ा आदमी, और का बाल बच्चा वो जेम से पानी भरना पड़ता है। मुखिया सुन नहीं रहा है, मुखिया कुछ कह नहीं रहा है, जहाँ मानेगा चाहे नहीं बनेगा, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है मुखिया से है, तो कैसे कहेंगे? मुखिया फिर जाते हैं, कई बार जाते हैं, मुखिया सुन नहीं रहा है।
क्या है आपका? आकाश कुमार रवि। क्या समस्या है आपका? कल यहाँ 6 महीना से बिगड़ा हुआ है, मुखिया का आवेदन दिया गया, नहीं बनवाए। अब एक बेरा बिगड़ा था तो हम लोग चंदा करके अपने ही से बनाए थे, और आज होली का दिन है, पानी का दिक्कत है। यहाँ तड़के से बगल के गांव से हम लोग ला के पीते हैं।